टीवी के स्टूडियो में जैसे मुख्तलिफ मेहमानों को आपकी खिदमत में पेश करते हैं और उनके हालात और उनके तजर्बात से आपको मुस्तफीद करने की कोशिश करते हैं और उनको भी रूशनास करवाते हैं। हमारी ये कोशिश है कि यूरोप भर में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर अहम शख्सियात हैं, जो राइटर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो शायर हैं, उनको हम कम्युनिटी के सामने लाएं ताकि उनका इंट्रोडक्शन भी हो और कम्युनिटी के लिए भी एक रोल मॉडल्स के वजूद को उनको आशना करवाया जाए। इसी तरह इसी सिलसिले की एक कड़ी इस वक्त हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं सैयदा शाहिदा शाह, जो पेरिस में होती हैं और इनका शायरी का तखल्लुस है सुमन शाह, इसी नाम से ये मशहूर भी हैं। और ये एक हकीकत है और एक छुपा हुआ राज था जो आज हम आप पर डिक्लेयर कर रहे हैं कि इनका असल नाम सैयदा शाहिदा शाह है, पेरिस से तशरीफ़ लाई हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान, और मैं शुक्रगुजार हूँ पाक नेट टीवी की हूँ जिन्होंने आज हमें मौका दिया और हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त अफजाई का मुकाम है। जी इज़्ज़त अफजाई तो दरअसल ये हमारी है कि आप जैसी लीजेंड शख्सियात जो हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ लाती हैं। हम आपसे आपकी शायरी के हवाले से भी बात करेंगे और आपकी शख्सी ज़िंदगी के हवाले से भी कुछ बात करेंगे। आपने शायरी यकीनन ये एक इंस्पायरेशन होती है, या वो रूहानी तौर पर होती है, या वो किसी नज़ारे के तौर पर होती है, या वो किसी कोई एक ऐसा एलिमेंट होता है कि जो बंदे को कुछ लिखने पर उकसाता है। आपको किस चीज़ ने लिखने पर उकसाया? मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा वाक़या मेरी ज़िंदगी में रूनुमा हुआ जिसने मुझे लिखने पर उकसाया, ऐसा नहीं है। शायरी इंसान शुरू कब करता है ये एक अलग बात होती है, शायरी इंसान के अंदर होती है। मेरे अंदर शायरी हमेशा से मौजूद थी, मुझे इसका हमेशा से एहसास था, लेकिन शायरी से जो मेरी पहचान है वो जब शऊर से मेरी पहचान हुई तो तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ लिख सकती हूँ। बहुत अच्छी बात। अच्छा, आपकी शायरी में जो एक ख़ास चीज़ मैंने देखी है कि आप जुगनुओं, तितलियों, हुस्न, हवा, इन चीज़ों को ज़्यादा कंसंट्रेट करती हैं और मौजूए बहस लाती हैं, इसकी कोई ख़ास वजह? इसकी ख़ास वजह तो सिर्फ ये है कि जब भी इस कायनात को देखती हूँ, इसका हुस्न देखती हूँ, अल्लाह ताला के बारे में सोचती हूँ, मुझे खुशी होती है। खूबसूरती हर इंसान महसूस करता है, ये नहीं कि सिर्फ शायरी लोग ही महसूस करते हैं। शायरों को अल्लाह ताला ने ये एक तोहफ़ा, एक इनाम दिया है कि वो अपनी बात को बड़ी खूबसूरती के साथ बयान करने की सलाहियत रखते हैं। हर इंसान अल्लाह ताला की इस कायनात की खूबसूरती को महसूस करता है, देखता है। ये बात सच है कि मुझे बहुत सारे मनाजर, बहुत सारी चीज़ें, तितलियाँ, जुगनू, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और मेरी शायरी का हिस्सा हैं, क्योंकि मैं सिर्फ इनको देखती नहीं हूँ, मैं इनको बहुत महसूस करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और इनको देखने का जो मेरा एहसास है, मुझे अल्लाह ताला हर चीज़ में नज़र आते हैं, जुगनुओं में नज़र आते हैं, तितलियों में नज़र आते हैं, दुनिया की बनाई हुई हर चीज़। मैं समझती हूँ कि जिस तरह हर इंसान का ये दिल चाहता है कि उसकी तारीफ़ की जाए, अल्लाह ताला भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि उनका दिल चाहता है, कि अल्लाह ताला को भी सना पसंद है। और मेरे लिए बहुत बड़ी इबादत है कि उसकी इस बनाई हुई खूबसूरत कायनात की हर वक्त, हमेशा, जब भी आप देखें तो तारीफ़ करें। तो यही वजह है कि ये हुस्न जो है, कायनात का जो हुस्न है, मेरी शायरी में आपको बहुत जगह मिलेगा, बल्कि हर शेर में मिलेगा, हर जगह मिलेगा आपको। बहुत अच्छी बात है। आपने अब तक जितनी शायरी की है, क्या उन सब को आपने छपवाया भी है? अगर छपवाया तो तफसील बता दें। का नाम है तुम से तुम ही तक, 2006 में मंजरे आम पर आ चुका है। इस वक्त मेरी दूसरी किताब तकरीबन मुकम्मल है। इंशाल्लाह आप सबकी हौसला अफजाई रही और आप सबका साथ रहा, दुआएं रहीं, तो बहुत जल्द दूसरी किताब भी आ रही है जी इंशाल्लाह। अब भी हम पढ़ेंगे आपकी पहली किताब,
हमने आपकी शायरी नेट के ऊपर पढ़ी है, तो वो जितनी भी मुमकिन थी उसको मैंने स्टडी किया था, तो बहुत अच्छा लगा। एक ऐसी अच्छी नरम लहजे की शायरा यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं, इंशाल्लाह हम आपसे मुस्तफीद आइंदा भी होते रहेंगे। आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से अगर कुछ हमें बताना चाहें, आपका मैरिटल लाइफ, आपके बच्चे, तो इसमें हम आपको शुक्रगुजार होंगे। जी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत खूबसूरती के साथ गुजार रही हूँ, बहुत अच्छे जीवन साथी मिले हैं, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं मेरे गुलशन में, मेरे 3 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है और एक छोटा सा घर है, और इसके अलावा और क्या कहूँ, अल्लाह ताला की जो बहुत ही खूबसूरत नेमतें हैं अल्लाह ताला ने मुझे इनसे नवाजा है और मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए ये तो आपका खुदा के लिए थैंकफुल होना एक अच्छी बात है, लेकिन ये कि मर्द शायर जो होता है उसको ज़ाती ज़िंदगी में कुछ और किस्म के हालात का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो खातून शायरा होती है उसके लिए मसाइल कुछ और होते हैं। अब इस सिलसिले में आपके लिए कोई ऐसी मुश्किलात पेश आई अपनी ज़ाती ज़िंदगी में या माशरती ज़िंदगी में? मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस सिलसिले में कोई किसी किस्म की मुश्किलात का सामना इसलिए नहीं करना पड़ा कि मेरे जो ज़िंदगी के साथी हैं, जो मेरे शौहर हैं, हर कदम पर हर मामले में उनका मुझे साथ हासिल है, वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा मेरी हौसला अफज़ाई करते हैं और बेहद एतमाद करते हैं। मैं समझती हूँ अगर आपकी ज़िंदगी के पार्टनर आपके साथ नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, अगर करेंगे भी तो कहीं ना कहीं घुटन का शिकार रहेंगे। तो मैं इस प्रोग्राम के हवाले से उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि एक तो वो फ़न था जो अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा, जिससे उन्होंने अल्लाह ताला ने मेरी शख्सियत में निखार पैदा किया, एक मेरे शोहर की मोहब्बत है जिसने इसमें मज़ीद रंग भरे। और मैं यही समझती हूँ कि ज़िंदगी के साथी जब आपके साथ चलते हैं तो आप ऑफ कोर्स कामयाब होते हैं। बहुत अच्छी बात है जी। हम भी सैयदा सुमन शाह के हस्बैंड मोहतरम का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक ऐसी अच्छी और ख़ूबसूरत शायरा और ख़ूबसूरत शेर लिखने वाली शख्सियत को इंस्पायर भी किया और उनको प्रमोट भी किया और इजाज़त भी दी। यकीनन अगर हमारी ख़वातीन शुरा जो घरों में हैं और किसी मजबूरी की वजह से बाहर नहीं आ सकती, लिख नहीं सकती, उनके लिए भी सुमन शाह एक मॉडल की हैसियत रखती हैं कि इनके बच्चे भी हैं, इनके शौहर भी इनको इजाज़त देते हैं और ये ख़ुद भी एक बहुत अच्छी मजबूत शख्सियत की मालिक हैं। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाएँ। आपका बहुत शुक्रिया।